नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रवक्ता जो पीजीटी कृषि का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। यह आज ही पेपर हुआ है, 13/8/2021 का है, तो हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। आप लोग जो भी करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग मैच करते जाएंगे। अपनी पुस्तिका ले लीजिए या फिर अपना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैच कर लेना, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपको आंसर दे पाएं। अगर कुछ रह जाते हैं तो आप लोग जब उसकी आंसर की आ जाएगी उसके अनुसार मैच कर लेंगे। चलिए पहले का क्वेश्चन करेंगे। कह रहा, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में जल अपघटनीय विकर की प्रचुर मात्रा होती है। चलिए पहले का सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। आप लोग आंसर करते रहिए पहले का। यहां पे क्या होगा, जो लोग बी लगा के आए हैं सही है, क्या हो जाएगा यहां पे, लाइसोसोम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा कह रहा, निम्न में से कौन एक सिस्टमेटिक कवकनाशी है। कौन सा एक सिस्टमेटिक कवकनाशी है, क्या करके आए हैं आप लोग, क्या हो जाएगा यहां पर। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। मिस्टर पुरनमल यादव जी, थोड़ा सा ये पीजीटी का पेपर है तो सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। नहीं, यहाँ पे सी नहीं होगा, बोथ जो लोग लगा के हैं ये बोथ नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। सिस्टमेटिक कवकनाशी की बात कर रहा तो यहां पे कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है। तीसरे का आंसर क्या करके आए हैं, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। 3 का आंसर करेंगे तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, बी। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, केला में भूम के ऊपर के तने को जाना जाता है। 4 का आंसर करेंगे सभी लोग, 4 का आंसर करेंगे। चार में हो जाएगा बी, ठीक है, स्यूडोस्टम, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 का देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा दृश्य प्रसाधन है। पांच का आंसर कीजिए सभी लोग। बिल्कुल, 5 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा जो सुअर होता है उसका जो है गर्भधारण कितने दिन का होता है, क्या अवधि रहती है। 6 का आंसर करेंगे, 6 का सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल। अगला 7 का आंसर करेंगे सभी लोग। टाइफून मेथड पूछ रहा है, इरिगेशन एज अप्लाइड किसमें किया जाता है। 7 का आंसर करिए फटाफट, आप लोग क्या लगा के आए हैं। क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा यहां पे। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना था। सबको पता है भारत का पहला निर्मित उर्वरक क्या था, कई बार हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। अगला देखें, 9 का सभी लोग 9 का आंसर कीजिए, क्या लगा के आए हैं आप लोग।
नौ का क्या हो जाएगा, बी सूरजमुखी, क्या हो जाएगा सूरजमुखी। दस देखिए, यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, जमुनापारी। अगला देखिए, कह रहा ज्वार के तना भेदक कीट का वैज्ञानिक नाम, 11 का करेक्ट आंसर करिए, क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बारह का करिए, बारह का करेक्ट आंसर करिए आप लोग, अरे इसमें नकल नहीं मारना है ठीक है, नीति आयोग पूछा गया है, हाँ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, यहां पर बारह का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तेरह का देखिए, तेरह क्या करते हैं आप लोग, नंबरिंग के साथ करते रहिए जिससे सही से आप लोगों के साथ में मैच किया जा सके। क्या हो जाएगा 1.344 बी, बिल्कुल जो लोग बी लगा के आए हैं सही है। अगला 14 का आंसर कीजिए, सभी लोग 14 में क्या लगा के आए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है, बिल्कुल यहां पर जो लोग गंगा लगा के आए हैं बिल्कुल सही आंसर लगा के आए हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 15 नंबर कह रहा पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है किसमें, पंद्रह का करेक्ट आंसर बताइए क्या लगा के आप लोग, क्या हो जाएगा बिगोनिया हो जाएगा ए, बिल्कुल क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा किस पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है, सब लोगों ने पढ़ा है किस पीएच मान पर सर्वाधिक पौधों में वृद्धि होती है, क्या हो जाएगा 6.5 से 7.5, क्या हो जाएगा 6.5 से 7.5। अगला देखिए, 17 का मैच करिए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, यहां पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 17 का। 18 करेंगे, 18 एक मिनट होल्ड रखेंगे, हेलो हाँ हाँ ठीक 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 हाँ देखो हाँ। अगला करेंगे 18 का, करेक्ट आंसर 18 का क्या हो जाएगा बी, बिल्कुल क्या हो जाएगा लेफ्ट रेट क्या होती है यहां पर हो जाएगा बी, 18 का बी। 19 का देखेंगे, 19 का क्या करके आए हैं आप लोग, यहां पर हो जाएगा बी ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा बी। 20 का देखिए, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है,
यहां पर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, ईजे बटलर। चलिए 21 नंबर मिला लीजिए, क्या करके आए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अरंडी कंपोजिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अरंडी। अगला देखिए 22 का, देखिए 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल 22 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल, क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल। 23 का करेंगे, 23 का आप लोग क्या लगा के हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य या झूठा फल है, झूठा पूछा गया है यहां पर, तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला 24 का बताइए, क्या करके आए आप लोग, 24 क्या हो जाएगा, यहां पर कह रहा पैसु फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेरेंट मटेरियल ए। 25 देखिए, 25 क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ, क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। 25 का क्या हो जाएगा, बी। 26 देखिए, कह रहा पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व होता है, 26 का स्टडी इंडिया बता रहे हैं सी बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, मोर देन वन। अगला देखिए 27, कह रहा है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है, देखिए डीएचओ में क्वेश्चन पूछा गया था, यहां भी पूछ दिया गया और हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर, नागपुर। 27 का बी। 28 देखिए, कह रहा क्रांज शारीरिकी पाई जाती है, क्रांज एनाटॉमी किसमें पाई जाती है, तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, C4 प्लांट, क्या हो जाएगा, C4 प्लांट। अगला देखिए 29 का, 29 में आप लोग क्या करके आए हैं, यहां पे हो जाएगा बोरान सी, 29 में क्या हो जाएगा, सी। 30 का आंसर करेंगे, पीट मृदा सामान्यतः निरूपित की जाती हैं, पीट मृदाएं जो होती हैं सामान्यतः निरूपित की जाती हैं। 30 क्या हो जाएगा यहां पर, ए होना चाहिए, ठीक है ए, ठीक है 30 का ए होगा। 31 देखिए, कह रहा है गुड़गांव परियोजना के द्वारा चलाई गई किसके द्वारा, 31 बिल्कुल 31 का भी क्या हो जाएगा, ए ही होगा, क्या हो जाएगा, ए। अब 32 देखिए, कह रहा है पुरानी एलुवियल मृदा कहलाती हैं, देखिए ये भी कहां पूछा गया, हालांकि लैंग्वेज चेंज थी लेकिन डीएचओ में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या हो जाएगा यहां पर, बांगर। अगला देखिए, कह रहा बगीचे की किस दिशा में वायु अवरोधी पौधे रोपित किए जाते हैं, 33 का बताइए सभी लोग क्या करके आए हैं, बिल्कुल क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला देखिए 34 का, कह रहा धान की नर्सरी उगाने की डेपोक विधि किस देश में विकसित हुई, सबको पता है, क्या हो जाएगा यहां पर, सी हो जाएगा, फिलीपींस। 35 का देख लीजिए, कह रहा बछड़े में सींग रोधन होना चाहिए, कितने दिन पर, बिल्कुल 35 का क्या हो जाएगा, 10 डेज ओल्ड, ए आंसर होना चाहिए यहां पर, क्या होगा, ए।
अगर मान लीजिए भाई लोग कहीं अगर एकाध क्वेश्चन की त्रुटि हो जाए तो उसके लिए ज्यादा परेशान मत होना, ना ही परेशान करना एसएमएस कर करके बार बार आप लोग, ठीक है। अगला कह रहा पारिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, क्या हो जाएगा यहां पर 36 का ए करेक्ट आंसर है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। 37 का बताइए, 37 का क्या करके हैं आप लोग, यहां हो जाएगा इंक्रीजिंग डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। राहुल कुमार शर्मा जी डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बताया है। जो 37 का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। अगला देखिए, गोला किस फल की बहुचर्चित किस्म है, सबको पता होगा गोला किसकी है, 38। क्या हो जाएगा बी बेर, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। अब देखिए 39 कह रहा मीजोफिल तथा बंडल सीथ पाए जाते हैं किसमें, 39 का आंसर दीजिए आप लोग, हाँ सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा यहां पर, सी हो जाएगा, लीव्स ऑफ प्लांट। अगला देखिए मृदा में सिलिका और औसतन प्रतिशत क्या होता है, 40 का आंसर दीजिए, 40 का क्या आप लोग करके आए हैं, क्या हो जाएगा यहां पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27%। 41 का देखिए कह रहा मक्का में परागण का ढंग तरीका कौन सा होता है, मक्के में बताना है, 41 बिल्कुल सी आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेटेड। 42 आ जाइए देखिए कह रहा कार्बनिक रासायनिक उर्वरक कौन सा है, कार्बनिक रासायनिक उर्वरक 42 का बताना है आपको, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, बिल्कुल 42 का सी, स्टडी इंडिया दे रहे हैं, सबसे पहले नितिन कुमार जी सी दे रहे हैं, यूरिया हो जाएगा। अगला देखिए कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है, किसानों के लिए बता दीजिए कौन सा सबसे उपयोगी होता है, 43 का तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो लोग ए करके आए हैं सही है 43 का। स्टडी इंडिया बी कैसे हो जाएगा, मीडियम रेंज, किसानों की बात की गई है यहाँ पे, ए ही होना चाहिए। और बाकी अगर किसी को डाउट है भाई तो आप जब आयोग की आंसर की आएगी तो वहां देख लेना, ठीक है। कुछ एकाध क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाए तो पहले ही बोल दिया, उसके लिए ज्यादा परेशान ना होना, ना ही परेशान करना। अगला देखिए 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहां पर, 45 45 बताइए आप लोग 45 का क्या करके आए हो। देखिए 45 का बहुत ही सटीक ऑप्शन है, तो इसको मेरे तो अकॉर्डिंग बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या किया जाए, कि गाय के दूध का पीएच मान क्या होता है। अब ये आयोग जो भी आंसर की देगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, बहुत ही सटीक दे रखे हैं ऑप्शन, ठीक है। तो इसको हम तो नहीं करा रहे हैं, बाकी आप लोग अगर अपने अकॉर्डिंग समझ पाए तो कर सकते हैं। वैसे होता कितना है, 6.7 से लेकर के 6.9 के आसपास होता है, 6.7 से लेकर के 6.9 के आसपास होता है। तो हम कह सकते हैं एक बार कि सी ऑप्शन पे जा सकते हैं, और हम यह भी कह सकते हैं कि ए ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, तो हम क्लियर नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए 46 का देख लीजिए, कह रहा बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व तो जाना जाता है,
बिल्कुल, जो लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्फोरस, क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है WTO अस्तित्व में कब आया, हम लोगों ने खूब अच्छे से जब क्लासेस की थी वहां पे बताया था जितने भी WTO ठीक है, या फिर आपको FAO बताया था, सारी चीजें हमने बताई थी, सबको पता होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 48 का, 48 का क्या करके आए हैं आप लोग, 48 देखिए, 48 का जो करेक्ट आंसर कह रहा है, बछड़ा के बध्याकरण का सही समय क्या होता है। वैसे कितना तक होना चाहिए, लगभग यहाँ पे 10-70, हाँ वही, मतलब मान लीजिए आप ये डी जाना चाहिए आंसर, ठीक है, डी जाना चाहिए या सी जाना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ के आसपास होता है। अगला, एक उर्वरक जोत की 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को करता है, बताइए कौन सा इसमें से उर्वरक है। 49 का बताइए क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा 49 का, SSP सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला 50 का देखिए, कह रहा है न्यूनतम जुताई की अवधारणा प्रारंभ हुई कहां से, मिनिमम टिलेज कहां से शुरू हुआ था, 50 का आंसर करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा यहां पर, USA बी करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, USA। अगला देखिए, पशुओं का कह रहा खुरपका एवं मुंहपका रोग, बहुत बार हम लोग किए थे तो किसी का भी नहीं गलत होना चाहिए, किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर का सब लोग करेंगे, बावन क्या लगा क्या है आप लोग, देखिए हमने कहा था एगमार्क को अच्छे से पढ़ लेना, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो DHO से सीधा सीधा मैच खा रहे हैं, बस क्वेश्चन चेंज है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल। 53 का करा संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर, संकुल मक्का की क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो लोग सी लगा के हैं करेक्ट आंसर है, 18 से 20 किलोग्राम संकर होती है 20 से 25। अगला देखिए, कह रहा सही वाक्य का पता लगाइए, इसमें क्या करके आए हैं, क्या कह रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज एज अल्टीट्यूड इंक्रीज, जब अल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर क्या हो जाता है, हमने पढ़ा है लैप्स रेट क्या होता है, घटता जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 का जो लोग ए लगा के आए हैं सही लगा के आए हैं, बिल्कुल। अब 55 कीजिए, आप अभी सब लोग बताएंगे लास्ट में कितना कितना स्कोर आपने किया है, मैच करते जाना जिससे एक अनुमानित कटाव का पता चल सके, ठीक है। और भाई एक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम भी आप ही जैसे हैं, बस कोई बहुत वो नहीं है, तो कुछ एकाध क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाते हैं तो बहुत गंदे कमेंट मत करना, हाँ सुझाव दे सकते हो कि इसमें ये नहीं ये होगा, कुछ लोग तो इतना गंदा कमेंट कर देते हैं, क्या बताएं कि उनको जवाब हम दे सकते हैं लेकिन अब देना ठीक नहीं लगता है। 55 का बताइए आप लोग क्या लगा के आए हैं, बी करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, बी, हाँ जो लोग बी बता रहे हैं सही है। अगला 56 का देखिए, हाँ तो 6 मंथ दे रखा है बध्याकरण का, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हमने लास्ट वाला आपको ऑप्शन करवाया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लास्ट वाला कराया है,
20 सत्य 120 होता है लगभग, मतलब क्या हो जाता है 3 चक्कू 12, उससे पहले वाले ऑप्शन ही नहीं थे। तो यहाँ पर 56 का क्या करके आए हैं आप लोग, हाँ यहाँ पे जो लोग 56 का बी करके आए हैं सही है। सॉइल फर्टिलिटी 57 देखिए, कह रहा पडलिंग किस लिए किया जाता है, पडलिंग किसके लिए किया जाता है, बिल्कुल 57 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिड्यूस परकोलेशन ऑफ वाटर, अट्ठावन का देखिए कह रहा पानी तथा हवा के बीच की सीमा परत कहलाती है, 58 का आंसर करेंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, जो लोग सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, सरफेस टेंशन कहलाएगा यहाँ पर 58 का। अगला 59 का देखिए, एक स्थानिक संस्थापन उर्वरक प्रयोग विधि का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल स्टडी इंडिया बता रहे हैं बी, बिल्कुल आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही जा रहे हैं स्टडी इंडिया, बहुत अच्छा आप करके आए हैं मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है। 60 का बताइए, 60 का क्या करके आए हैं, सिक्सटी का करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, ए यहां पे करेक्ट आंसर है, जापान नहीं यूएसए हो जाएगा, ठीक है नितिन कुमार जी, ए होगा 60 का। 61 का, 61 यहां पे 61 का सी हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सी सही आंसर सब लोग दे रहे हैं। 62 बताइए, निम्न में से कौन एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन सा एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है, सिक्सटी टू का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, क्या लगा के आए हैं। सिक्सटी टू का डी होना चाहिए, ठीक है प्रिंसिपल ऑफ मतलब जो असहभागिता का सिद्धांत है, डी करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल डी, देखिए मैक्सिमम लोगों ने डी दे दिया है। 62 का 63 देखिए, कह रहा भारत में सामुदायिक विकास, ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा था, कल के पेपर भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, हमने बताया था ये देखना पूछ सकता है मे बी, तो ये सबका सही होगा सी। अगला देखिए, दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये भी हम लोगों ने किया था, क्या हो जाएगा यहाँ 64 का सी हो जाएगा, लैक्टोज। 65 का देखिए, कह रहा अम्लीय वर्षा निम्न में से कारण किसके होती है, हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया था, सबको याद होगा, जो लोग प्रॉपर चैनल से जुड़े हुए हैं सबको पता है, मैक्सिमम क्वेश्चन अपने यहां से दिख रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट से ही। तो 65 का क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल क्या हो जाएगा NO2 और SO2, NO2 और SO2 हो जाएगा। 66 का दीजिए, कह रहा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, सबको पता होगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अग्नेय चट्टान का पूछ रहा है, क्या हो जाएगा अग्नेय चट्टान का उदाहरण, यहां पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्या होना चाहिए डी, 66 का डी होना चाहिए डी, ठीक है डी होगा, वो ग्नीस नहीं होगा, वो ना ही मार्बल होगा ना ही स्लेट होगा, डायोराइट होगा, यहां पे डी करेक्ट आंसर है, याद रखना आप लोग, ठीक है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का, बिल्कुल जो लोग डी करके आए हैं सही करके आए हैं 66 में। अब 67 का बताइए, संचार का प्रारंभिक माध्यम है, 67 क्या करके आए हैं, बिल्कुल
67 का जो लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्या होना चाहिए रेडियो, क्या हो जाएगा यहां पर रेडियो हो जाएगा। अगला 68 का देखिए, 68 द्वितीयक जुताई में प्रयुक्त होने वाला औजार, द्वितीयक की बात किया है बताइए, देसी हल, डिस्क हल या फिर हैरो, बताइए। हाँ 68 द्वितीयक की बात कर रहा है। हैरो हो जाएगा यहां पर, क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए यहां पे थोड़ा सा डाउट हो गया, आप लोग बताइए क्या होगा। 68 का ए होना चाहिए देसी प्लाउ या फिर होना चाहिए हैरो, द्वितीयक का पूछा है यहां पे, आप लोग बताइए 68 का थोड़ा सा बताइए तो जिससे क्लियर हो सके, ए होना चाहिए या बी। जितेंद्र बताइए बिल्कुल कंफर्म बताइए क्या होगा। हैरो होगा या फिर देसी प्लाव, कंफ्यूज हो गया है ठीक है, ये मेरे कंफ्यूजन में बी होगा। बी होगा ठीक है, क्या हो जाएगा कंफर्म मेरी तरफ से, आप बी मान चलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, बी मानेंगे बी ठीक है, बी बी कंफर्म मान चलेंगे बी, इसको हम लोग बी मान चलेंगे कंफर्म, अपना आंसर बी है ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो बताना आप लोग, बी कंफर्म है। अगला देखिए, अगला कह रहा है 69 का बताइए फटाफट आप लोग, चलिए बी भी होगा हमें पता है बी होगा, आप लोग अब परेशान ना होइए बी होगा, बाकी अगर कोई डाउट है तो आयोग जब अपनी आंसर की देगा तो देख लेना वहां पे क्या होगा, बी ही होना चाहिए ठीक है। अब 69 का बताइए आप लोग, 69 क्या हो जाएगा यहां पर सोयाबीन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बाजरा की बीज दर बहुत कॉमन है, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 70 का क्या हो जाएगा बी, 71 का देखिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 71 ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, बिल्कुल स्टडी इंडिया ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, 71 का क्या हो जाएगा एक होगा। 72 का बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, आम का मिलीबग अंडे कहाँ देता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, इसको जब हम लोगों ने मैंगो हापर को बोला था ना कि वो पत्तियों के मतलब निचली सतह पर अंडे देता है, तब हमने आपको बताया था मैंगो मिलीबग जो होता है सॉइल सरफेस पर देता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 72 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला 73 कह रहा, भेड़ में बच्चा देने की क्रिया क्या होती है, भेड़ की बात किया है तो क्या हो जाएगा यहां करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, लैम्बिंग, बी क्या हो जाएगा लैम्बिंग। चलिए अगला देखिए, कह रहा है रानीखेत, सबको पता है कैसी होती है भाई, एक बार सब लोग शेयर कर दो जिससे और थोड़ा मैक्सिमम लोग जुड़ सके, अपना मैक्सिमम पोर्शन सही जाएगा चाहे जब आयोग की आंसर किया जाए मिला लेना आप लोग, दो चार क्वेश्चनों की हम बात नहीं कर रहे हैं तो मैक्सिमम, नहीं तो आपके पूरे पूरे सही निकलेंगे जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, एक आध क्वेश्चन तो जब आयोग भी अपनी आंसर की भेजता है तो उसके बाद भी गलत हो जाते हैं ठीक ना, तो ज्यादा कोई लोग भाई कमेंटबाजी मत करना, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाँ सुझाव दे देना कि ये नहीं ये होना चाहिए यहाँ पे।
75 का बताइए क्या होगा, 75 का ए। जितेंद्र बालाजी बता रहे हैं बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 76 का बताइए क्या हो जाएगा, कह रहा फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाला हार्मोन। 76 सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। 77 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 77 बिल्कुल, जो लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी होना चाहिए यहाँ पे, डी नहीं होगा बी होगा। आप यहाँ पे इसका देख के मत करिए, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको वो नहीं कहना है, अपना आइडिया देना है क्या होगा यहाँ पे, बी होगा ठीक है। अगला देखिए 78 का बताइए क्या लगा क्या है। भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित हुआ था बताइए 78। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 78 का सी, बिल्कुल जो लोग सी बता रहे हैं सही है, क्या हो जाएगा 1956, 78 का सी ही होगा, 1956 होगा। अगला देखिए 79 कह रहा मुर्गी के शरीर का तापक्रम कितना होता है, क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा 80 नंबर, आंवले के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ प्रयोग करते हैं बताइए कौन सा संरक्षी पदार्थ प्रयोग किया जाता है। सीधा सीधा फलों पे आ जाइए, कुछ भी मत सोचिए, फलों के बारे में सोचिए। बिल्कुल डी जो लोग बता रहे हैं डी ही करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए डी होना चाहिए। सोडियम बेंजोएट होना चाहिए। अगला देखिए कह रहा बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी नाम से प्रसिद्ध है, जर्सी के नाम से किसको जाना जाता है, जर्सी के नाम से किसको जाना जाता है। जर्सी बताइए किसको जाना जाता है। 81 का क्या होना चाहिए, न्यूबियन होना चाहिए ए। अगला एग्लो न्यूबियन होता है पूरा पूरा। भारत में कृषि मौसम विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, बताइए आप लोग। 82 का बिल्कुल यहां पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 83 का देखिए कह रहा फूल गोभी का पुष्पक्रम क्या होता है, किस प्रकार का होता है, फूल गोभी का पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है। 83 होना चाहिए करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे 83 का क्या होना चाहिए डी होना चाहिए। अरे कॉलीफ्लावर फूल गोभी का पुष्पक्रम कहलाता है, वो तो कैर खाया जाने वाला भाग होता है, यहाँ इन्फ्लोरेसेंस पूछ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए ठीक है डी। 83 का होता क्या है, रेसिमोज होता है, क्या होता है रेसिमोज होता है, रेसिमोज होता है। बाकी देखो आयोग अपना क्या इसमें विचार लगा दे, ये नहीं हम कह सकते हैं। अगला देखिए कह रहा आने वाली कुल सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को कहते हैं, 84 का बताइए। बिल्कुल पापा का मगरमच्छ बता रहे हैं, फूल गोभी का रेसिमोज होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। राजा जी बता रहे हैं बिल्कुल, रजा जी क्या नाम था, रिजवान रजा जी। अब बताइए 84
क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, पायरानोमीटर होना चाहिए, सी करेक्ट आंसर होना चाहिए T4 का, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा मृदा संरक्षण की सस्त विधियां कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं, बताइए आप लोग। 85 का क्या करके आए हैं? बिल्कुल, जो लोग ए बता रहे हैं करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यहां पे क्या होना चाहिए, 2% होना चाहिए, ए करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर? बिल्कुल, जो लोग डी लगा के आए हैं सही लगा के आए हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा 87 का बताइए फटाफट आप लोग क्या होगा आंसर? कैल्शियम इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, आप बताइए किसका होता है कैल्शियम? बिल्कुल, 87 का बी बता रहे हैं नितिन कुमार जी, सही आंसर दिए हैं आप। क्या हो जाएगा यहाँ? सेल वाल, बी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, बी देखिए एक पास से आ रहा है, राम खिलावन जी, CSA एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, बिल्कुल बी सही है आपका भी। अगला देखिए 88 का बताइए क्या करके आए आप लोग? 88 का फटाफट आंसर दीजिए, क्या करके आए सभी लोग? का डी होना चाहिए, डी, बिल्कुल देखिए नितिन कुमार डी बता रहे हैं, सौरभ तिवारी जी डी, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा, फॉस्फामिडान होना चाहिए, ठीक है। 89 कह रहा एगमार्क चिन्ह लगा होता है, 89 क्या हो जाएगा? 89, बिल्कुल 89 का बी हो जाएगा, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं कृषि उत्पाद पर लगा होता है एगमार्क। अगला देखिए 90 नंबर, बेर में कृंतक करते हैं, मतलब बताइए प्रूनिंग कब की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए कब की जाती है। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ड्यूरिंग समर सीजन, बिल्कुल डी सभी लोग सही लगा के आए हैं। अगला है बाजरा एवं ज्वार के फल को किस नाम से जानते हैं? बाजरा और ज्वार, क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल 91 का सी, स्टडी इंडिया बता रहे हैं, आपका आंसर बहुत ही फास्ट आ रहा है, सी। अगला देखिए, जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से भी जानी जाती है, बताइए? मृदा उर्वरता, हमने खूब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जब हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे वहां पर हमने बताया है, सीट, बिल्कुल हमने कहा था किसानों को सबसे ज्यादा हानि किससे होती है, तो सीट इरोजन से होती है, तो यहां क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 93 का बताइए सभी लोग, 93, बिल्कुल देखिए बी बता रहे हैं 93 का, क्ले पूछा गया, ये तो इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए, बहुत हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है मोस्टली, बी करेक्ट है। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक, '94 का बी, बिल्कुल जो आरबीआई है क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था कब था? 49 बी, बिल्कुल मोस्टली लोग बी बता रहे हैं, सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, दुकाजी गाय की नस्ल बताइए सभी लोग,
देखिए यहाँ पर ये तीनों दुधारू हैं, बाकी बची कौन, थारपारकर द्विकाजी है। अगला देखिए 96 का करेक्ट आंसर बताइए, क्या करके आए हैं आप लोग 96। सर्वाधिक राइबोफ्लोविन, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जितने क्लास ली होगी सबको पता होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेल मैचिंग की जा रही थी तब हमने वहां पे आपको बताया था, थायमिन और बेल का आया था क्वेश्चन। अगला टेट्राजोडियम परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधियों पर निर्भर करता है 97 का बताइए सभी लोग। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन सारे वहीं से हैं। आप केवल मान लीजिए 30 क्वेश्चन नहीं होंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे लगभग आपको। यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी आ रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए कह रहा 98 का, 98 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा 98। का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सल्फर डी। जितेंद्र जी कह रहे हैं आपके यूपी के एग्जाम इजी आते हैं सर जी, अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, सब जगह एग्जाम सबके एक जैसे रहते हैं, यूपी वालों के साथ ऐसा थोड़ी ना है कि उनको इजी दिया जाता है, आप लोगों को कठिन दिया जाता है, ऐसा नहीं है। 99 का क्या लगा के आए हैं सभी लोग, बी बिल्कुल, सीएसईपी। 100 का बताइए, डी आर आई एस इज अप्लीकेबल फॉर, 100 का क्या करके आए आप लोग, हंड्रेड। योगेश दुबे जी कह रहे हैं बी, बिल्कुल 100 का क्या होना चाहिए, बी होगा। 100 का क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, बी होना चाहिए, ठीक है। बाकी देख लेना आयोग भैया क्या कराता है, इसको बी है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ लोग ए बता रहे हैं, ए इज राइट, वैसे बी होना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। अगला देखिए, गन्ने में बंची टाप के कारण हो जाता है, बंची टाप के कारण होती क्या हो जाता है, राजपूत जी कह रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन इज राइट 100%। तो कोई बात नहीं भैया, ठीक है, हम लोग इसको चेक कर लेंगे फिर से, एक आध क्वेश्चन अगर हमने पहले ही बोल दिया, एक आध इधर उधर हो जाते हैं, तो आप लोग उसको सजेशन कर सकते हैं कि ये नहीं ये होना चाहिए, लेकिन विद प्रूफ कर देना थोड़ा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे सही से हम आप लोगों को एक आध क्वेश्चन बाद में कमेंट में लिख सकें। कमेंट में लिख देंगे कि इतने इतने का इतना 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 होगा, तो सब लोगों का मैच हो जाएगा, 100% अपनी एक्यूरेट आंसर की बन जाएगी, ठीक है। 101 का बताइए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए 102 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। 103 का मिलाइए क्या हो जाएगा, कह रहे अधसाली गन्ने की बुआई सबको पता है कब की जाती है, जुलाई अगस्त में की जाती है, तो 103 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ए। 104 का देखिए कह रहा है समुदाय की प्राथमिक इकाई क्या होती है, बहुत बार हम लोगों ने किया है इसको, क्या हो जाएगा यहां पर, सी हो जाएगा फैमिली, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा फैमिली। 105 का देखिए कह रहा है सी एस डब्ल्यू आर आई, हम लोगों ने किया था सेंट्रल वूल एंड सॉरी सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम लोगों ने अभी पिछले वाले में ही किया था, कहाँ है, अविका नगर, इसको हमने करेक्शन करवा के करवाया था, ऑप्शन ही गलत दे रखे थे वहां पे। अगला है गेहूं के लूज स्मट अनावृत कनुआ रोग का कारक क्या होता है,
क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल स्टडी इंडिया बता रहे हैं सी करेक्ट आपने बताया है, अस्टिलाडो न्यूडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अस्टिलाडो न्यूडा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 का बताइए अपना आंसर क्या होगा, 107 का करिए। कह रहा प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास चाहिए होगी? 60% पाई जाती है, तो उससे थोड़ा सा मान लो 60 होती है 100 पे, यहाँ पे 50 चाहिए हमें, तो कम कर दीजिए फटाफट। हाँ ए जो लोग लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के आए हैं, क्या हो जाएगा ए? अगला कह रहा कड़ी जो स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ती है, कह रहा द लिंक दैट कनेक्ट द सोर्स विथ द रिसीवर इज, 108 का सी। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। 109 का बताइए, 109 का क्या करके आए फटाफट लिख दीजिए आप लोग। बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है, रिगोलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिगोलित। 110 का बताइए सभी लोग, 110 अपना अपना स्कोर जरूर लिखना, जिससे एक मतलब हम लोग अनुमानित कटाप का पता लगा सकें कि क्या जाने वाली है। लेकिन एक्यूरेट लिखना, कुछ लोग क्या होते हैं बेवजह मजे लेने के लिए बहुत ज्यादा या कम लिख देते हैं, तो ऐसा ना कहना भाई लोग, ठीक है? ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसा ना कहना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? डाउनी मिल्ड्यू हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, कह रहा बैंगन में करवाहट किसके कारण होती है? बैंगन में करवाहट, 111 का करेक्ट आंसर कीजिए आप लोग। बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर, सोलेसोडाइन हो जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 112 का क्या करके आए आप लोग? 112 19th जुलाई था कि 19th जून था? सभी लोग बी करके आए हैं। बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 113 बताइए, फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन क्या होता है? 113 का करेक्ट आंसर कीजिए। बिल्कुल 13 का भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बीज द्वारा। 114 का बताइए, कह रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता कितनी होती है? 114 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है। क्या हो जाएगा? मोर देन 4 डेसी साइमंस पर मीटर। अगला देखिए, 115 का बताइए, 115 का क्या होगा? देखिए विनीत कुमार जी सी बता रहे हैं, देखिए ये सी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आप आयोग का वेट कर लेना इसका, ठीक है? आयोग का वेट कर लेना। बिल्कुल देखिए 115 का लिखा है भाई ने, आशीष ने बताया है कि किसी को सही पता हो तो बताइए, हमने इसीलिए टिक लगा दिया है कि भाई अपना क्लियर बता देना, मैं अपनी तरफ से सी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? 115 का, लेकिन अगर क्लियर किसी को पता हो तो कमेंट करके बता देना, नहीं इसका ये नहीं ये है। 16 का बताइए, अभी तक दो क्वेश्चन हमने आपको ऐसे डाउट पे बताए हैं कि ये नहीं ये हो सकते हैं, बाकी अपने मैक्सिमम क्वेश्चन सही हैं, ठीक है? 116 का क्या हो जाएगा? स्टडी इंडिया सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है यहाँ पे, सी होगा।
अगला देखिए 117 का, सौरभ तिवारी कह रहे हैं 16 का गूगल देख लो बी बता रहे हैं, तो भैया ठीक है हम चेक कर लेंगे एक बार। 16 का भी आप लोग भैया टिक कर लीजिए, 16 पे भी कमेंट कर देना थोड़ा सा आप लोग, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, 16 पे भी आप लोग कमेंट कर देना जिसको बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। और 17 का बताइए, 17 कह रहा निम्नलिखित में से धान का कौन सा रोग बंगाल में अकाल का कारण बना था, बंगाल में क्या हो जाएगा यहां पे, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल में, बंगाल फेमाइन किसके कारण आई थी, अरे डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें भी कंफ्यूजन है क्या, चलिए 116 का आप लोग कमेंट करके भी बता देना, लेकिन इसका 117 का करिए। विजेंद्र कुमार कह रहे हैं 16 का नहीं सर, सी सही है, मुझे पूरा सही से पता है, बिल्कुल सी होना चाहिए, मैंने तो सी ही बताया है, बाकी आप लोग अपने कार्डिंग देख लेना। 117 का बताइए क्या हो जाएगा, डी, डी होगा 117 का बिल्कुल। 118 का बताइए निम्न में से कौन सी जमा पूंजी नहीं है, 118 का क्या हो जाएगा यहां पर, 118 का डी होगा, हाँ 118 का भी क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज यहां पे होगा। 119 का बताइए कह रहा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत, हमने कहा था एक्सटेंशन को अच्छे से पढ़ लेना, क्या हो जाएगा 119 का बताइए आप, 119 बिल्कुल ए करेक्ट आंसर होगा 119 का, लर्निंग बाय डूइंग, सबको पता है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग। अगला 120 सेब का सबसे बौना मूल ग्रंथ, देखिए सेब से मूल ग्रंथ टीजीटी में भी पूछा गया था, ठीक है, और यहां पे भी मूल ग्रंथ पूछ दिया गया है, टीजीटी में भी पूछा गया था और यहां भी पूछ दिया गया है, यहां पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बौना मूल ग्रंथ क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए अनन्नास फल का खाया जाने वाला हिस्सा क्या होता है, अनन्नास के फल का कौन सा भाग खाया जाता है, 121 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी होना चाहिए, बी। क्या होगा, बी होना चाहिए, मीजोकार, बिल्कुल मीजोकार भी खाया जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बताना हमें कमेंट करके, लेकिन वैसे भी मीजोकार्प ही होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला है सही कथन का पता लगाइए, यहाँ पे क्या है 122 का, 122 का आंसर आप लोग क्या करके आए हैं बताइए, सही कथन का बता रहा है पता लगाइए। अरे इसमें देख के मत करिए, अपना आंसर बताइए, यहां पे मान लीजिए कुछ नहीं है, एक सौ बाईस का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोग बी बता रहे हैं, बी नहीं होगा, ए होना चाहिए, 122 का बी, बी बी ए होना चाहिए, ठीक है ए होना चाहिए, फिर भी हम इसको आयो के अपना आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ये भी क्वेश्चन। तो अपने अभी तक तीन क्वेश्चन हो चुके हैं जिन पे आप, मतलब हमने आपको बताया है कि इन पे आप कमेंट करके बता सकते हैं आंसर। अगला देखिए फलों एवं सब्जियों में मौमीकरण करता है, 123 का करेक्ट बताइए, हाँ ए हमने बताया है, और आशीष कह रहे हैं पक्का ए ही होगा, नहीं जितेंद्र कुमार कुशवाहा कह रहे हैं पक्का ए होगा, चलिए ठीक है आप लोगों का ये तो आप जैसा बताएंगे कमेंट करके मैक्सिमम वैसे ही माना जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल 123 का सी है।
124 का बताइए क्या होगा, 124 का कह रहा द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, संचार की कला है सीखना, अनुभूति, सुनना या स्लीपिंग। 124 का बताइए आप लोग क्या करके आए हैं, सीखना होता है या फिर सुनना होता है, बताइए आप लोग। सीखना होता है, ए ए करेक्ट होगा, क्या हो जाएगा ए। चलिए भैया ए होता है, लेकिन इसको फिर भी आप लोग डाउट में। 125 का बता दिए क्या हो जाएगा, 125 का ए हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, 125 का ए हो जाएगा। सबसे ऊंची कौन सी होती है, तो नेल्लौर होती है, कौन सी होती है, नेल्लौर, बिल्कुल। आप देखिए भाई लोग, आप लोग भी सब लोग पीजीटी का पेपर देके आए हैं, तो सभी से एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अपने केवल केवल 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन, ठीक है, 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे डाउट है, तो आप लोग उनको अच्छे से अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करके सिर्फ सजेशन दे देना, ये बार बार ये ना कहना ये करा दिया वो करा दिया, बहुत बहुत गंदे कमेंट मत लिखना, ठीक है, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है, सभी को धन्यवाद। बाकी कट ऑफ के बारे में हम लोग, आप लोग लिख के बताइए कितना क्या हुआ, उस हिसाब से हम लोग कट ऑफ के बारे में सोचेंगे। गजेंद्र सिंह कह रहे हैं 98 राइट हैं एग्जैक्ट, 2 बाद में हो सकते हैं या 1। गौरव कुमार जी 75 से 80 राइट बता रहे हैं, बलवीर सिंह जी 105 बता रहे हैं, और जितेंद्र कह रहे हैं 102 ओबीसी में राइट हैं। देखिए इस अगर जो यहाँ पे 100 पार कर गया है तो वो समझ लीजिए वो तो पक्का हो जाना है, क्योंकि पेपर इतना इजी भी नहीं था जितना आप लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल स्टडी इंडिया बिल्कुल पूछ रहे हैं, एक्चुअल लाइट हमारे यहाँ चली गई तो नेट की वजह से हमें लगा कि क्लास चल नहीं पाएगी, तो हमने बोल दिया था इसलिए, नहीं तो हम पूछते आपसे। स्टडी इंडिया के 100 सही हो रहे हैं, किस कैटेगरी से हैं। सर्वेश कुमार जी सर जी टीजीटी या पीजीटी का पेपर हार्ड था, नहीं पीजीटी का था, टीजीटी का हार्ड नहीं था, ये जो है आज का पेपर थोड़ा सा उससे कहीं थोड़ा सा हार्ड था। विनीत कुमार सिंह कह रहे हैं मैं बीएससी एजी से हूं और मेरे 99 सही जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 99 कहना विनीत कुमार जी बहुत अच्छी बात है, 99 जा रहे हैं, और एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर होता है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा अलग होता है, तो सभी लोग अपना एक बार स्कोर लिख दें जिससे एक अनुमान लगाया जा सके कि इसका लगभग कितना जा सकता है कटाप। राजपूत बता रहे हैं 110 राइट हैं, आशीष बता रहे हैं 105 से 110 के बीच ओबीसी, स्टडी इंडिया 100 क्वेश्चन राइट एनी चांस, बिल्कुल चांस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो 100 के ऊपर हैं वो लोग चांस अपना पूरा पूरा समझ के चलें, ठीक है, क्योंकि 100 के ऊपर जो है बहुत ही कम लोगों का सही जाएगा, चाहे जब देख लेना आपने यहाँ पे मैच कर लिया होगा, इसके बाद जब आयोग की अभी आंसर की आएगी तब मैच कर लेना, अपने कुछ एकाध क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अभी देखिए टीजीटी में कई क्वेश्चन 7-8 मतलब 7-8 तो नहीं कहेंगे लेकिन 6 तक क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जिसपे आप लोग देख सकते हैं पूरा पूरा गलत आया है, तो इस तरीके से गलत आंसर की भी दे दी जाती है। अरे विजेंद्र कुमार जी इसका जब आप एमएससी कर लेंगे उसके बाद एग्जाम होता है। चलिए तो सब लोग लिख दिए हैं, राम बाबू जी 123 का सी क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हैं। चलिए अब सारी चीजें आप कमेंट में लिख देना, आप क्लास को ओवर किया जाए, 110 जनरल का चांस बनता है, बिल्कुल राजपूत जी 110 में क्यों नहीं बनेगा भैया, हम भी जाने 110 क्वेश्चन कम नहीं होता है, ठीक है, 110 क्वेश्चन कम नहीं होता है। एक सौ दस बहुत है, ठीक है, आप मांग चलिए 110 में तो आपको मिल जाना है, श्योर श्योर मिल जाएगा अगर आपको 110 सही जा रहा है कट पिट के।
बिल्कुल विनीत कुमार सिंह कह रहे हैं 110 वालों का पक्का सिलेक्शन होगा। सच्चिदानंद त्रिपाठी जी कह रहे हैं क्लास करना चाहें तो कैसे करें। देखिए हम कोई कोचिंग क्लासेस नहीं चलाते हैं, बस यूट्यूब पे अपना वीडियो कुछ बना के डाल देते हैं, बाकी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो वो भी सोचा जाएगा उसके बारे में और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। देखिए अनीस ने लिखा है कि DHO में 5 से 6 रॉन्ग आंसर दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने लिखा है। ठीक है बिल्कुल। गजेंद्र सिंह लिख रहे हैं कटाप ज्यादा जाएगी क्योंकि सीटें कम है। बिल्कुल सही लिख रहे हैं, ये आपकी बात सही है कि 105 को प्लस ही जाना चाहिए, लेकिन देखिए पेपर इतना बिजी नहीं है। हालांकि ठीक है, हाँ जैसा आप कह रहे हैं 105 के आसपास टच करेगा जाकर के, ये अपना भी अनुमान कह रहा है, लेकिन जो अब जो लोग 110 कह रहे हैं तो वो भाई सही मान चले, 110 बहुत कम लोगों के सही हुए होंगे ना। विनीत कुमार सिंह जी बोल रहे हैं आपने लाइक के लिए नहीं बोला, कोई नहीं ये तो आपका दिल है, आप लाइक करना चाहेंगे कर देंगे, नहीं लाइक करेंगे तो डिसलाइक कर देंगे। हम कभी ना ही आपसे अभी सब्सक्राइब करने के लिए बोले हैं, ना ही आपको लाइक करने के लिए बोले हैं, और बहुत ही कम बोलते हैं, जब लोग याद दिला देते हैं मुझे तभी बोल देते हैं भैया आप लोग लाइक और शेयर कर देना, नहीं तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करवाते हैं। गौरव कुमार जी देखिए यहाँ पे ज़्यादा इस एग्जाम में कैटेगरी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रखेगी, SC से या फिर OBC से या फिर जनरल से, सब में 3 से 5 क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि सीटें कम है, तो जाहिर सी बात है कैटेगरी में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, कैटेगरी मायने नहीं रखती है। ठीक है तो वहाँ पर भी ज़्यादा घटेगी नहीं कटाप, सीटें ज़्यादा होती तब कैटेगरी का सोचा जाता। तो ठीक है क्लास को एंड किया जाए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पे हमसे जुड़े, और हाँ सभी से मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग देख रहे हैं कहीं पे संदेह है तो बुक से चेक करके उसको क्वेश्चन को और हमें प्लीज कमेंट कर देना, जिससे हम कमेंट बॉक्स में लिख सकें कि इस क्वेश्चन का ये नहीं ये आंसर था, तो जिससे सबका मैक्सिमम सही हो सके। गजेंद्र सिंह जी AGTA की ज्वाइनिंग का कुछ नहीं पता है, ठीक है बाबा जी हैं जब दे देंगे हम लोगों को तब हम ज्वाइनिंग सबको मिल जाएगी। ठीक ना चलिए अब हम लोग क्लास को फिनिश करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट सभी को, अब आप लोग भी सो जाइए।